जैसे नाउ रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड, लेट मी आस्क वन क्वेश्चन. हाउ मेनी फीचर्स वी हैव फिनिश्ड यस्टरडे? व्हिच वाज द लास्ट फीचर, कैन यू टेल मी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. My voice is clear? Yeah, still it is coming low. Clear, sir. Clear, okay. Parliamentary form of government, from which constitution of the world we have taken this British. feature? Britain. British constitution, ठीक है? British से हमने लिया था ये feature. और parliamentary form of government में generally क्या होता है? एक एक somebody's mic is on. So please unmute it. Okay, in parliamentary form of government, there is a prime minister, is the real head of the government, and the president is the nominal head of the government. And in Latin terms, they are called as de facto and de jure. De facto, de jure का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आपको इन केस पूछा गया एग्जाम में, de facto कौन होता है? De facto का मतलब होता है actual, real. फैक्टो और डी ज्योर का मतलब होता है नॉमिनल. सो इन इंडिया डी फैक्टो इज हु? प्राइम मिनिस्टर. डी ज्योर इज हु? प्रेसिडेंट. दिस इज नॉमिनल. दीज टर्म्स आई विल टीच यू व्हेन आई विल टीच यू, दैट इज विल एक्सप्लेन टू यू व्हेन आई विल टीच प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट. सो आफ्टर दैट लेट्स वंस गो थ्रू द रिविजन. Silent features, then after that, this was the first slide. Lengthiest constitution we discussed already. Drawn from various sources, blend of legislative flexibility, federal system with unitary bias. Though the federal word has not been used in the Indian constitution, but still, Indian constitution has features of federalism. Okay. But finally, why unitary? Because in India, states are union, not federal. States, India में जो states हमारे तैयार हुए वो agreement से तैयार नहीं हुए, they are union. ठीक है, उसको unite किया गया है और वो federal नहीं है. Federal का मतलब क्या होता है? Separation of power between center and state. But American जो states है, America is the complete example of federalism. वो मैं आपको आगे explain करने वाला हूँ. और उसके बाद then we discuss. This was the last one, parliamentary form of government. Major features we discuss. Now, synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. ये हम discuss कर लेते हैं. देखिए sovereignty, parliamentary sovereignty का मतलब क्या होता है? Parliamentary, parliament को एक sovereign power दी गई है. Sovereign का मतलब होता है कि parliament अपना खुद decision ले सकती है, खुद अपने कानून बना सकती है. But finally क्या होता है कि judicial supremacy भी important है. Means अगर कोई कानून legislature बनाता है तो जैसे पार्लियामेंट के तीन जो अलग अलग जो हम बोलते हैं ना उसकी पार्ट्स है, पहला कौन सा? लेजिस्लेचर. दूसरा एग्जीक्यूटिव है और तीसरा कौन सा है? ज्यूडिशियल. दीज आर द थ्री मेन फैक्टर्स ऑफ पार्लियामेंट. और उसमें से लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाना. और ज्यूडिशियल का काम क्या होता है? जो लेजिस्लेचर ने कानून को बनाया है उसको वेरीफाई करना, ठीक है, उसको चेक एंड बैलेंस करना. ये जुडिशियल करता है. मैं जुडिशियल क्या करेगी, जो कोई कानून मानो इन्होंने पास कर दिया है लेजिस्लेचर ने, तो वो कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बनाया है या कॉन्स्टिट्यूशन का किसी फीचर को वायलेट कर रहा है, किसी प्रोविजन को वायलेट कर रहा है या फिर किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो ये चेक एंड बैलेंस कौन करता है? जुडिशियल करता है, यानी कि न्यायमंडल करेगा. उसके बाद एग्जीक्यूटिव को बोलेगा भाई कानून सही है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर दो. एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा इसको, ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं, नाउ सी द डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरनिटी ऑफ पार्लियामेंट. ये जो प्रिंसिपल है सॉवरनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये किससे संबंधित है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से. वाइल द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल जो सुप्रीमसी है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से
संबंधित है. मीन्स हमने जो सॉवरनिटी ऑफ पार्लियामेंट लिया है वो ब्रिटेन से लिया है, जुडिशियल सुप्रीमेसी कहां से लिया है, अमेरिका से. दोनों का इंडिया में क्या है, सिंथेसिस है. अमेरिका में ये पूरा अलग फीचर है जुडिशियल सुप्रीमेसी, और ब्रिटेन में सॉवरनिटी ऑफ पार्लियामेंट अलग पूरा फीचर है. वैसे इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में क्या है, दोनों का क्या है, सिंथेसिस है. बोथ विल गो हैंड इन हैंड, बोथ विल वर्क टूगेदर. जस्ट एज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू. नाउ जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू, दिस कॉन्सेप्ट वी आर टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन दैट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन यूएस. यूनाइटेड स्टेट्स का जो जुडिशियल पावर है, जुडिशियल रिव्यू का पावर, वो ज्यादा एक्सटेंसिव है, वो ज्यादा वाइड है, और इंडिया का थोड़ा नैरो है. तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय जुडिशियल रिव्यू? देखो एक सर, मे बी देयर सजेशंस. ओके, जुडिशियल रिव्यू का मतलब जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया, जुडिशियल सुप्रीमेसी, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई कानून लेजिस्लेचर पास करता है, मैंने आपको एक्चुअली स्टार्टिंग में जो बताया इसके बारे में, वो मैंने जुडिशियल रिव्यू भी बता दिया. ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, अगर इन केस सपोज कोई लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून पास किया जाता है, ठीक है, तो उसको चेक एंड बैलेंस कौन करता है, जुडिशियल रिव्यू करता है. मीन्स किसी भी कानून को, ठीक है, मीन्स जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि उसको वेरीफाई करना, यानी कि वो वैलिड है या इनवैलिड है. सुप्रीम कोर्ट का अगर ऐसा लगता है, लेजिस्लेचर ने ऐसा कानून बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में नहीं आ रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर या फीचर्स को वायलेट कर रहा है, कुछ प्रोविजन को वायलेट कर रहा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जुडिशियरी क्या करेगा, इनवैलिड करार दे देगा, इनवैलिड. और ये राइट सिर्फ किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है, स्टेट के किसी हाई कोर्ट को नहीं है. पार्लियामेंट जो कानून बनाता है उसको चेक एंड बैलेंस करने का काम सुप्रीम कोर्ट ही करती है. तो सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन दैट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन यूएस. सो दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को प्रोवाइड करती है, इसलिए उनका जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा एक्सटेंसिव है, ज्यादा वाइड है. सो अगेन दैट ऑफ अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन है, ये ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो ये वहां पे नहीं है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है, नॉट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ पे, इंडिया में, यानी कि जो लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश, यानी कि हम किसी भी पर्सन को अगर मानो पनिश करेंगे, या किसी भी पर्सन को अगर हम डिटेन करेंगे, यानी कि अथॉरिटी डिटेन करेगा, पब्लिक अथॉरिटी, तो वो क्या करेगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो लॉ में दिया गया है वो उसी को फॉलो करेगा, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं फॉलो करेगा वो. तो मेंटेन कंटेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21. ओके, सो देयरफॉर द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये प्रीफर किया कि प्रॉपर सिंथेसिस जो है वो हम ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंटरी, और उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे सॉवरनिटी एंड द अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल जो सुप्रीमसी है, हम क्या करेंगे, इनको मिक्स कर देंगे. सो दैट क्या होगा, हम दोनों का सिंथेसिस यूज करेंगे, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ऑन द अदर हैंड कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉज. सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, पार्लियामेंट्री लॉ को, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे अमेरिका में नहीं होता है. अमेरिका में एक बार अगर लॉ बनाया गया तो वहां पे कैसा है, वहां फेडरलिज्म है ना अमेरिका में, तो उनका सुप्रीम कोर्ट अलग, स्टेट का सुप्रीम कोर्ट अलग, सॉरी स्टेट का हाई कोर्ट अलग उनका, और दोनों का पावर पूरा अलग अलग. इंडिया में वैसे थोड़ी ना है. और अगर इंडिया का मानो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट, वो क्या महाराष्ट्र राज्य का थोड़ी ना है, वो भी तो सेंटर के अंडर तो आता है, बिकॉज उनके जज को पेमेंट कौन करता है, सेंटर करता है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, महाराष्ट्र के हर एक चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट का. तो ये सारी चीजें वहाँ पे, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको फंडामेंटल राइट्स में और इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ पे इन शॉर्ट हम सामने सिर्फ फीचर्स को डिस्कस करना है. तो आपको बहुत सारी चीजें रिपीट होने वाली है जो मैं फीचर्स में बता रहा हूँ, ये चीजें आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स में आने वाली, ठीक है. जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा, व्हेन आई विल टीच यू सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, यानी कि कोर्ट सिस्टम इन इंडिया, उस टाइम पे आपको एक कॉन्सेप्ट फिर से आने वाली है. उसके बाद पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स
कॉन्स्टिट्यूएंट पावर. पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का राइट किसको है? पार्लियामेंट. तो मेजर पोर्शन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कौन चेंज करेगा? पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, बाकी किसी को अधिकार नहीं है. सेवन नंबर फीचर, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिया का जुडिशरी कैसा है? इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट है. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट. इंटीग्रेटेड भी और इंडिपेंडेंट भी है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रेटेड कैसा है? हायरार्की कैसे इंडियन कोर्ट्स की? सबसे हाई ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है. उसके नीचे कौन आता है? हाई कोर्ट आता है. उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं. ठीक है, तो ये हायरार्की होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, सॉरी इंडियन कोर्ट्स की. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री. सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट इंडिया में होता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में, यानी कि उनका डिसीजन फाइनल होता है. सो जो केस मान लो हाईकोर्ट में नहीं प्रॉपरली सॉर्ट आउट हो पाया, मानो किसी पर्सन को अगर हाईकोर्ट में नहीं जस्टिस मिला तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा. बराबर, अमेरिका में ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है. उनका हाईकोर्ट जो फाइनल डिसीजन देगा वही उसके लिए फाइनल कंसिडर करना पड़ेगा अमेरिकन सिटीजन को. ठीक है, बिकॉज हर एक राज्य का अलग अलग है. सो बिलो इट, उसके नीचे हाईकोर्ट आता है स्टेट लेवल पे, और उसके नीचे जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं. जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. इसको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहाँ पे होते हैं? डिस्ट्रिक्ट में होते हैं. सो दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गए और इसमें लोअर कोर्ट्स आ गए. ठीक है, जिला न्यायालय और जो सत्र न्यायालय होगा उस अकॉर्डिंग. सो दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एनफोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज. ये स्टेट लॉज को भी फॉलो कर दिया और सेंट्रल लॉज को भी एनफोर्स कर दिया. बराबर, दोनों लॉज को ये फॉलो कर दिए. सो यूएस में कैसा होता है? यूएस में वेयर द फेडरल लॉज आर एनफोर्स बाय द फेडरल जुडिशियरी एंड द स्टेट लॉज एनफोर्स बाय द स्टेट जुडिशियरी. वहाँ अलग अलग है, स्टेट जो बनाएगा उनका अलग लॉ है. ठीक है, और इंडिया का जो फेडरल है वो अलग, सॉरी अमेरिका का फेडरल अलग है. फेडरल मीन्स सेंटर, हम इंडिया में सेंटर बोलते हैं, अमेरिका में फेडरल बोलते हैं. सर फेडरल, हाँ बोलिए सर. जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो भी लोग केसेस हार जाते तो वो सारे तो फिर ऊपर ही जाएंगे ना सर, सुप्रीम कोर्ट तक. हाँ, अगर उन्होंने चैलेंज किया तो फिर वो ऊपर तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक. अगर वो बहुत मेजर केस होगा रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, देन फिर वो ऊपर तक जाएगा. फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग अगर होगा सुप्रीम कोर्ट तक. हाँ, छोटे मोटे केसेस नहीं जाते. अगर मानो कोई पर्सन है, वो एग्रीव्ड पर्सन है, एग्रीव मीन्स व्हाट, कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मीन्स उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, तभी वो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा. बहुत मेजर केस होगा तो. अदरवाइज बाकी फेडरल, उन्होंने इंडिया में कैसा है, स्टेट को भी एक पावर दी गई है, स्टेट हाईकोर्ट को भी अपने अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल करेगा. ठीक है, और जनरली क्या आता है, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट तक बहुत कम होते हैं केसेस जो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, और उनमें भी कुछ क्राइटेरिया है. ऐसा नहीं कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, उसमें भी एक क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करके उसको जाना है. यानी कि अगर मानो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी, तो जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया उनका होगा कि इस केस को चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में, तभी वो पर्सन चैलेंज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता चैलेंज. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा. तो अगर उनको मानो फाइनल ऊपर राइट से रिलेटेड अगर वो केस आ जाती है, तो फिर ऑब्वियस है कि हाई कोर्ट तक जाए मांगने के. ओके सर, तो ये सारी चीजें उसमें आती है. उसके बाद यहाँ पे हमें फेडरल जुडिशियरी हमने समझ लिया. यहाँ पे अमेरिका का फेडरल मीन्स सेंटर, इंडिया में सेंटर बोलते हैं उसको, सेंट्रल जुडिशियरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उनका सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का. और स्टेट लॉज आर एनफोर्स बाय द स्टेट जुडिशियरी अमेरिका का. देन अगला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट. जैसे मैंने भी आपको बोला सेंट्रल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सबसे, यानी कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट ही है. फंडामेंटल राइट्स का गारंटर कौन? सुप्रीम कोर्ट ही है. सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट्स, मैंने अभी आपको बताया ना, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई फंडामेंटल राइट से अगर कोई चीज होगी तो वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट तक. सुप्रीम कोर्ट उसको वहां पे रिजर्व करेगा. ठीक है, जनरली सुप्रीम कोर्ट कभी ऐसा होने देता नहीं है कि सिटीजन को राइट्स को वायलेट नहीं होने देता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट भी उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करता है. तो फाइनली क्या है यहाँ पे, हमारे फाइनल जो गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का, जो इंटरप्रेटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, वो कोर्ट है. सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने
अलग अलग प्रोविजन बना दिए इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि इट्स जो उसका इंडिपेंडेंस है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस है, फिक्स सर्विस कंडीशन है जजेस का, ओके, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो चार्ज की जाती है, एक मिनट सर का कॉल आ रहा है, जस्ट अ मोमेंट, तो हमने यहाँ पे देखा टेन्योर वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस कर ली। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी सिक्योरिटी देके रखी है, जैसे जजेस को इजीली निकाला जा नहीं सकता है, बराबर, तो इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट को पूरा इंडिपेंडेंस दिया है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है जजेस का, यानी कि उनका जो टेन्योर है कार्यकाल, उनका जो ड्यूरेशन है उसकी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिया है। उसके बाद फिक्स सर्विस कंडीशन, जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, आप फिक्स सर्विस कंडीशन से उनको दी हुई जजेस को, ठीक है, तो ऑल पूरा एक्सपेंसेस सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, जहाँ से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पेमेंट निकलता है, ठीक है, इस फंड से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तीन फंड होते हैं, एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दूसरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और तीसरा पब्लिक फंड ऑफ इंडिया। पब्लिक फंड किसके लिए होता है, एमरजेंसी इंडिया में अगर कोई मानो आपातकाल हो गया, बाढ़ आ गई या फिर तूफान आ गया, उसके लिए जो इमरजेंसी फंड जो गवर्नमेंट, आपने सुना होगा ना गुजरात के लिए 1000 करोड़ की फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस की, तो वो पब्लिक फंड होता है। पब्लिक फंड यानी कि इमरजेंसी, अगर किसी स्टेट में आपदा आ जाती है या देश में आपदा आ जाती है। और कंटिजेंसी फंड जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होता है, और कंसोलिडेटेड फंड होता है पब्लिक सर्विस जो सर्वेंट्स है, बड़े बड़े पोजीशंस उनका पेमेंट, बाकी सबका इधर से होता है। जब आप आईएएस आईपीएस बन जाओगे या फिर आप जब स्टेट सर्विसेज में आप बड़े ऑफिसर बन जाओगे तब आपको आपका सैलरी यही से होता है, ठीक है। सो प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर्स, तो ये कंडक्ट ऑफ जजेस जो लेजिस्लेचर में होता है वो भी सब प्रोहिबिशन उनका, यानी कि कोई भी अगर उनका जब वो पावर में होते जजेस, व्हेन अ पर्सन इज अ जज, सुप्रीम कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर वो है, तो पूरा प्रोहिबिशन यानी कि उनके कंडक्ट के लेके पूरा उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। सो बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट के बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड सो ऑन। मैंने आपको ये बताया था ना, बताइए कौन सा आर्टिकल इससे रिगार्डिंग, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कौन सा आर्टिकल है, आई हैव टॉट यू ऑलरेडी इन द प्रीवियस चैप्टर, नो सॉरी आपको नहीं पढ़ाया मैंने, मैंने इसमें पढ़ाया था मराठी बैच में, ठीक है, सॉरी। सो ये आपको पढ़ने को मिलेगा डीपीएसपी में। देन फंडामेंटल राइट्स, ये अगला फीचर है, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थे, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14-18 मीन्स आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19-22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25-28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज ये आर्टिकल 32 में आता है। सो दीज आर दी फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, याद रखना, ठीक है, ये सारे राइट्स फंडामेंटल राइट्स, ये जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा चैप्टर होल एंड होल चैप्टर है, ठीक है, दो क्लासेस हम इसमें लेंगे पूरी। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पे वो राइट टू प्रॉपर्टी का था 7 नंबर का, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से निकाल दिया गया 7 नंबर का, और वो कब निकाल दिया गया, 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट किए गई थी, उसके अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से। वो क्यों हटाया गया मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में, आगे हम डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में।
दे ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो जुल्म जबरदस्ती, जो अगर कोई न्याय अन्याय करता है सिटीजन्स के ऊपर, अगर कोई अन्याय करता है लेजिस्लेचर के द्वारा, ऐसा कोई लॉ अगर पास किया गया हो जिसकी वजह से सिटीजन्स के ऊपर अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, दे आर बींग एक्सप्लॉयटेड, उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, तो फिर वहाँ फंडामेंटल राइट्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, मैंने आपको अगेन आई एम गोइंग टू टीच यू, जस्टिसेबल मीन्स वॉट, दे कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ देयर वायलेशन, ठीक है, इन्फोर्सिबल है वो कोर्ट्स में। दे एग्रीव पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने आपको बोला था आर्टिकल 32 के अंडर जिस पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और आर्टिकल 226 226 के अंडर वो हाई कोर्ट में जा सकता है, यानी चैलेंज कर सकता है पेटिशन के थ्रू, विच कैन इशू द रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, और आर्टिकल 32 के अंडर उसको एग्रीव पर्सन को हैबियस कॉर्पस का राइट मिलता है, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, ठीक है, को वारंटो, ये सारे राइट्स उसको मिल जाते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर कर सकते हैं, अगर मानो किसी का फंडामेंटल राइट, अगर गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स को अगर निकाल लिया तो इसके थ्रू वो उसको रिस्टोर किया जा सकता है। सो फंडामेंटल राइट जो है दे आर नॉट एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो ओनली क्या है, क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब क्या है, अगर मानो इमरजेंसी इंडिया में लग गई, इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, इंडिया चाइना पाकिस्तान से अगर इंडिया का वॉर हो जाता है पाकिस्तान या चाइना से, तो उस टाइम पर राष्ट्रपति क्या करेगा, इंडिया के राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर देगा इंडिया में आपातकाल, और उसके साथ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो भी सस्पेंड किए जाते हैं, एक्सेप्ट 20 एंड 21, ये राइट छोड़ने, इनको छोड़ के 20 और 21 नंबर का जो फंडामेंटल राइट है, इसके अलावा बाकी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं ऑटोमेटिक, व्हेन द नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ और ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन इज इन द फोर्स, जब वो फोर्स में रहेगी तब, ठीक है, बाकी सारे, इसलिए वो क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्या है, क्वालिफाइड है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन उस पर लगाया जा सकता है, इमरजेंसी के द्वारा ही वो पॉसिबल होता है। फर्दर दे आर नॉट सैंक्रोसैंक्ट, वो सैंक्रोसैंक्ट नहीं है, पवित्र नहीं है, एंड कैन बी कर्टेल्ड और रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट उनको कभी भी रिपील कैंसिल करवा सकती है या उनके ऊपर कर्टेल कंट्रोल कर सकती है, इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी, जैसे मैंने अभी आपको अभी बोला, नेशनल इमरजेंसी जब लग जाती है, ठीक है, तो 20 और 21 को छोड़ के सारे आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। देन 9 नंबर का फीचर आपका आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी को हम इन शॉर्ट बोलते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होता है ऑफ स्टेट पॉलिसी का, ये एक नॉवल फीचर होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, नॉवल यानी एक इंपॉर्टेंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और उन्होंने ये भी बोला इनके बारे में कि दे आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 4 जो है उसमें डीपीएसपी दिया है। दे कैन बी क्लासीफाइड इन टू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में उनको क्लासीफाई किया जाता है। पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ये आपको सेपरेट चैप्टर है पढ़ाऊंगा मैं आपको। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, और ये सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, और उसके साथ साथ ये वेलफेयर स्टेट, ये जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट, ये कल्याणकारी राज्य, इसको भी ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स, अगर आपने देखा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में एक मेजर डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, दे आर जस्टिसेबल, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसेबल, ये एक मेजर डिफरेंस, ठीक है। अगर डीपीएसपी का वायलेशन हो गया वी कैन नॉट चैलेंज इन द कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सो एट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही डिक्लेयर करता है कि दिस प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये प्रिंसिपल हमारे कंट्री के शासन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये हर एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
नॉट हर एक स्टेट की, कंट्री की, राज्य की, राज्य संस्था जो है हमारा कंट्री। यहाँ पे देखो स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पे राज्य नहीं, यहाँ स्टेट का मतलब है राज्य संस्था, इसका मतलब होता है कंट्री। कंट्री का मतलब, कंट्री से भी बड़ा कॉन्सेप्ट है स्टेट, याद रखना। देश तो पूरा आ गया बट स्टेट का यहाँ मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है पब्लिक अथॉरिटी, हर एक पब्लिक अथॉरिटी, ईच एंड एवरी पब्लिक अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेट। जिनके पास में अथॉरिटी पावर है उनको हम बोलते हैं स्टेट। तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि ये स्टेट का कर्तव्य है कि प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे, जब लॉ बनाएगा पार्लियामेंट तब उनको डीपीएसपी को उनको अप्लाई करना है लॉ में, अदरवाइज वो लॉ जो रहेगा उसका पर्पस क्या वही समझ में नहीं आएगा फिर। इसलिए हर एक लॉ में अप्लाई करना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, किसको, गवर्नमेंट को। इसीलिए दे इम्पोज अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज, स्टेट अथॉरिटीज के ऊपर वो रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाती लेकिन एक मॉरल ऑब्लिगेशन लगा देती है फॉर देयर एप्लीकेशन, उनको एप्लीकेशन करने के लिए, ठीक है। सो बट द रियल फोर्स जो होता है सैंक्शन बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल, दैट इज पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। सो मिनर्वा मिल्स केस था 1980 का, इन्होंने ये कहा था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया था मिनर्वा मिल्स केस में, उन्होंने बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसका जो बैलेंस है इन दोनों के बैलेंस के ऊपर इसको फाउंड किया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बेस्ड है दोनों के आधार पर। अगर फंडामेंटल राइट, अगर डीपीएसपी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर नहीं होता तो इट वुड हैव बीन मीनिंगलेस, उसका कोई यूज नहीं होता, मीनिंगलेस हो जाती। तो इन दोनों प्रिंसिपल्स के ऊपर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, जैसा मिनर्वा मिल्स केस में बोला गया। देन फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 नंबर का फीचर है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 ड्यूटीज है, शुरू में 10 थी बाद में 11 की गई। 11 नंबर की कब ऐड की गई मैं आपको बताऊंगा। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट एडेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। 1976 में 42nd अमेंडमेंट पास किया गया और इस 42nd अमेंडमेंट के अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ये कहाँ से लिया है, कौन से कंट्री से, सोवियत यूनियन, रशिया से हमने ड्यूटीज को लिया है, याद रखना, कहीं तो लिख लो, या शायद नहीं दिया होगा मैंने, नहीं यहाँ मेंशन नहीं है। तो ये प्रिंसिपल्स हमने रशिया से लिए, ठीक है। सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, मैंने आपको पहले ही बताया, ये ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर, ठीक है। और ये और चीज आपको एक पता होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सोरेन सिंह कमेटी जो थी ना, सोरेन सिंह के अंडर एक कमेटी रिकमेंड की गई थी, सॉरी अपॉइंट की गई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज, इन्होंने ये बोला था कि हमारे कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको हर एक सिटीजन फॉलो करेगा। और 86th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था 2002 में, इसको पास किया गया और वन मोर ड्यूटी ऐड की गई इसके अंडर, वो था 11 नंबर का, हर एक पेरेंट्स की ड्यूटी होगी उनके शिष्य को, सॉरी उनके बेटे को या बेटी को एजुकेशन देना, एलिमेंट्री बेसिक एजुकेशन देना, ठीक है। तो शुरू में कितनी थी जब ऐड की गई, 42nd अमेंडमेंट के अंडर 10 ड्यूटीज थी, 2002 में और एक ड्यूटी ऐड की गई, प्लस 1 हो गई, 11 हो गई टोटल। पार्ट 4A देखो, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चार पार्ट था, चार में एक सब क्लॉज किया गया ए, 4A और आर्टिकल 51A, इसमें पूरी ड्यूटीज दी है, याद रखना, ठीक है। 51A किसके लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। उसके साथ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज कौन सी आती है, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, संविधान का आदर करना, नेशनल फ्लैग का आदर करना, नेशनल एंथम का आदर करना, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, यूनिटी इंटीग्रिटी और कंट्री को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। कॉमन ब्रदरहुड का जो स्पिरिट है उसको प्रमोट करना सारे लोगों में इंडिया के, और टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, जो हमारा जो कल्चर को प्रिजर्व करना और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये सारी ड्यूटीज है हमारी। ये मैं आपको पता होगा जब ये भी आपको सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेक्युलर स्टेट, मैंने आपको पहले बताया था, प्रियम्बल में बताया मैंने ऑलरेडी। सेक्युलर का मतलब क्या है? ऑल रिलीजन आर इक्वल, नो रिलीजन इज अ स्टेट रिलीजन। ठीक है, तो ये सेक्युलर वर्ड कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट 1976 में। तीन वर्ड ऐड किए गए थे, कौन से सेक्युलर, कौन सा था और बताइए? उसके साथ प्रियम्बल में ऑलरेडी मैंने बताया आपको लिबर्टी ऑफ बिलीफ दिया है और फेथ एंड वर्शिप ऑलरेडी दिया है। सिटीजन स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी सिटीजन एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अंडर आर्टिकल 14। सेक्युलर में आता है, कोई यानी कि डिफरेंसेस नहीं करेगा रिलीजन या कास्ट या किसी कल्ट के आधार पे। ठीक है, तो हर एक पर्सन धर्म जाति का हो समाज, तो या पुअर हो। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 15 नंबर का आर्टिकल 14 नहीं है, 14 अलग है, ये 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ है। और यहाँ पे हर एक पर्सन को किसी भी जाति धर्म के आधार पर उसके बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह आर्टिकल 15 बताता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर एक सिटीजन। ऑल पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपेगेट एनी रिलीजन अंडर आर्टिकल 25। आर्टिकल में क्या दिया है? ये जो मैंने अभी आपको जो आर्टिकल दिए ना, सारे सेक्युलरिज्म को रिलेट करते हैं, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 25 नंबर। अगर एग्जाम में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर रिलेटेड, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, पॉसिबिलिटी है, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेन सेक्युलर एस्पेक्ट, ये पूछ सकते हैं आप। 14, 15, 16, 25 में क्या दिया गया? 25 में दिया गया है किसी भी धर्म के, मैंने कि कोई भी पर्सन किसी भी धर्म करता है उसको अपने धर्म का प्रोफेस करने का राइट है, प्रैक्टिस करने का राइट है, प्रोपेगेट करने का राइट है। ठीक है, प्रचार प्रसार बोलते हैं ना, प्रचार प्रसार वो करने का उसको राइट है 25 में। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या होता है? हर एक नागरिक जो 18 साल का है उसको वोट करने का राइट है। पहले वोटिंग का जो एज था ये पहले 21 था, लेकिन इसको 21 से 18 किया गया। कब किया गया? 1989 में 61st अमेंडमेंट एक्ट की गई थी, सॉरी 1988 में 61st अमेंडमेंट एक्ट की गई थी, और ये जो 21 ईयर्स एज था 1989 में, इसको 18 पे लाया गया। अमेंडमेंट कब हुआ? 88 में, और ये कब अप्लाई हुआ प्रोविजन? 89 में। कितना हो गया एज? 21 से 18 हो गया। ठीक है, हर एक नागरिक को जो 18 का है उसको राइट करने वोट करने का अधिकार है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, एक नागरिकत्व। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूअल नहीं है अमेरिका जैसा। अमेरिका में हर एक स्टेट का अलग अलग नागरिकत्व है, सिटीजनशिप है। अगर आपको कैलिफोर्निया से मान लो दूसरे अमेरिका के स्टेट में जाना है तो आपको वीजा लगता है वहाँ पे। ठीक है, सिटीजनशिप अलग है ना वहाँ का, ऑब्वियस है। The Indian Constitution is federal and envisages a dual polity. Center and state को दो हमने federalism में divide किया है, यानी कि हमने उनको अलग अलग right दिए है, बट हमने उनको अलग अलग citizenship थोड़ी ना दिया है, वो एक ही citizenship है। ठीक है, means अगर कोई person India का नागरिक है तो किसी भी राज्य का नागरिक है इंडिया का। ठीक है, वो किसी भी state में जाके रह सकता है, वहाँ पे profession कर सकता है या वहाँ पे business कर सकता है, रह सकता है। So that is his fundamental right. Single citizenship है। इन कंट्रीज लाइक यूएसए, जैसे मैंने आपको बताया ड्यूअल सिटीजनशिप है यार, सो ही ओज एलिजेंस टू बोथ एंड एंजॉयज ड्यूअल सेट्स ऑफ राइट्स, डबल राइट वहाँ पे उसको मिलते हैं। एक नेशनल गवर्नमेंट का राइट मिलता है और एक स्टेट गवर्नमेंट का राइट मिलता है वहाँ। इंडिया में कैसा है? इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऑल इन वन इंडिपेंडेंट बॉडीज। जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंट बॉडीज को एस्टेब्लिश किया, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी अंडर आर्टिकल 324, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 148 से लेके 151, इसमें कैग है,
ये इंडिपेंडेंट बॉडीज है, इसके साथ और भी इंडिपेंडेंट बॉडी आगे मैंने दी आपको, यूपीएससी कमीशन है, ये भी इंडिपेंडेंट बॉडी है अंडर आर्टिकल 315, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सेम आर्टिकल है। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडीज है। इंडिपेंडेंट बॉडीज का मतलब क्या है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस मिला है, जिसको आर्टिकल मिल गया वो इंडिपेंडेंट बॉडी बन गया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज बॉडीज थ्रू वेरियस प्रोविजंस, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है उनको। इंडिपेंडेंट बॉडीज का मतलब है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उनको मिल गया। अगर आप मानो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो एमपीएससी, अगर आप एमपीएससी से मान लो ऑफिसर ऑफिसर बन गया, आपको थोड़ी ना ऐसे कोई भी इजीली निकाल सकता है, आप सस्पेंड हो सकते हैं बट यू कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम योर पोजीशन। बहुत बड़ा अगर सीरियस क्राइम किया होगा, 300-400 करोड़ का अगर घोटाला रहने की रिश्वत की ली होगी, इतना बड़ा स्कैम करप्शन किया होगा, तो ठीक है सस्पेंड हो सकता है। अगर कोई ऐसा करप्शन वही करेगा ना, जिसको पता है यार चलो आगे कुछ भी हो 300-400 करोड़ मिल रहा है, तो थोड़ी ना हम छोड़ेंगे, चाहे नौकरी चली जाए आराम से लाइफ जियेंगे आगे राजा बन के। तो ऐसे कुछ लोगों का मेंटेलिटी होता है, जैसे मैं जोकिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है हमें। तो ये सारी चीजें, जैसे कि एक आईएएस ऑफिसर, दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों को सस्पेंड किया गया था लास्ट ईयर, निकाह सस्पेंड नहीं डिसमिस किया गया पोजीशन से। कितना करप्शन किया होगा दोनों ने मिलकर, 1200 करोड़ का करप्शन का स्कैम, 1200 करोड़। मान लो भाई 1200 करोड़ मीन्स जियेंगे लाइफ इंजॉय करेंगे आगे, तो ये सारी चीजें इतना बड़ा स्कैम कर दिया था, तो उनको डिसमिस किया, डायरेक्टली डिसमिस किया गया पोजीशन से। डायरेक्टली डिसमिस तभी करते हैं ऐसा कोई सीरियस क्राइम होगा तो। उसके साथ ये मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट बॉडीज है, जैसे इनको निकालना इतना आसान नहीं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कमीशन का जो चेयरमैन है उसको भी निकालना इतना आसान नहीं। इमरजेंसी प्रोविजन, दिस इज 15th फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल चैप्टर है, पढ़ाऊंगा मैं आपको। एमरजेंसी प्रोविजन, तीन टाइप की एमरजेंसी इंडिया में होती है, नेशनल एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी। अंडर आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी होता है, 365 के अंडर स्टेट एमरजेंसी होता है, और 356 के भी अंडर होता है, दो टाइप का है, डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा द सेपरेट चैप्टर। फाइनेंशियल एमरजेंसी द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया 360। थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया का जो सिस्टम है थ्री टीयर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल गवर्नमेंट, ये सब तीन टाइप का गवर्नमेंट है, पहले दो टाइप का ही था। थ्री टीयर गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ ड्यूअल पॉलिटी एंड कंटेन प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड पावर्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स। 73rd, 74th जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, कब, 1992 में, मीन्स ये अमेंडमेंट 1992 में किया गया और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, पहले नहीं था इनको, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। तो 1973 और 74th ये अमेंडमेंट करने के बाद इनको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस दिया गया है, थ्री टायर सिस्टम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। सो हैव एडेड अ थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, पहले क्या था, सेंटर था, पंचायती राज हम इसको बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद स्टेट था, दोनों थे, तीसरा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज। 73rd अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है मैं आपको बताता हूँ, 74th किससे संबंधित है मैं आपको बताता हूँ। देखो 1992 में ये अमेंडमेंट एक्ट की गई, 73rd, इसको संविधान का दर्जा दिया गया और पंचायत नाम ऐसा इसमें हिंदी में और मराठी में दिया गया, रूरल लोकल गवर्नमेंट। सो रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए अमेंडमेंट 73rd और 74th संबंधित किससे, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, सिटी गवर्नमेंट। 74th अमेंडमेंट
एक ही साल में उनको पास किया गया था, बट 74 जो अमेंडमेंट है ये किससे संबंधित है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, और 73 किससे संबंधित है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और तीसरा कौन सा है, जिला परिषद, ये इसमें आता है रूरल में, बराबर। और अर्बन में क्या आता है, कोई बताएगा अर्बन में तीन थ्री विंग्स कौन से, बीएमसी वगैरह, बीएमसी आ गया, म्युनिसिपल काउंसिल कॉर्पोरेशन, एग्जैक्टली म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल पंचायत आता है पहला, उसके बाद काउंसिल आता है, और उसके बाद कॉर्पोरेशन आता है, यस कॉर्पोरेशन, नगर नगर महानगर पालिका, बीएमसी जैसे हो गया। तो ये आपको याद रखना, और इसके साथ साथ 73rd 74th ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई थी उसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 नंबर का पार्ट ऐड किया गया था, न्यू शेड्यूल ऐड किया गया 11 नंबर का टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और सिमिलरली 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये किया गया, और इसने म्यूनसिपैलिटी को ऐड किया, यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट, और इसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11A ये पार्ट ऐड किया गया। 74th ने कौन से पार्ट को ऐड किया, 11A, और 72 ने, जस्ट मोमेंट इंपॉर्टेंट कॉल इज जस्ट मोमेंट,
मेरा स्क्रीन रुका है, सबका रुका है? सबका सबका। वो ऑडिबल आवाज आ रहा है आपको? यस सर। सो डिस्कसिंग, अब हम यहाँ पे 92 में जो 73rd 75th अमेंडमेंट किया गया था उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इस पे जाते हैं। नेक्स्ट फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये लास्ट फीचर है। इसके बाद चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सर वो 9 था या 11 था? कौन सा? प्रीवियस स्लाइड में। ये वाला? हाँ सर, सेकंड लास्ट लाइन में वो 9A है, पार्ट 9A है, 9/11 है। नहीं नहीं, पार्ट 11th है। एक मिनट, रोमन डिजिट क्या है? 10 हो गया, 11 नहीं, 9 नंबर है। 9 नंबर है, 9। मैंने 11 बोल दिया ना? नहीं, 11 तो सही है ना, 11 है ना। रोमन में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? सर 1 के राइट में डैश आएगा अगर 11 होगा। लगा हाँ, 11, दिस इज 12। ओके ओके, सो शेड्यूल जो, हाँ राइट, यहाँ 11, हाँ 9 है, 9A, दिस इज 11, ठीक है। तो न्यू शेड्यूल 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया, वो रोमन थोड़ा मैं कन्फ्यूज हो गया, रोमन डिजिट में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था, यहाँ और ये वाला, दिस इज 11, दिस इज 9, सही है ना? यस सर।
ये वही, तो ये वाला नाइन ए उसमें ऐड किया गया, न्यू शेड्यूल 12 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा मैं और एक कॉल थोड़ा ले लूँ क्या, मैं थोड़ा अर्जेंट कॉल आ रहा है फिर, जस्ट अ मोमेंट। सॉरी, सो नेक्स्ट लास्ट बाकी अपना ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, ये कब हुआ था, 2011 में एक अमेंडमेंट किया गया था और उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, संविधानिक स्टेटस। और ये कहाँ पे ऐड किए गए कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहाँ पे दिए गए, डीपीएसपी में दिए गए। जब डीपीएसपी पढ़ा होगा तो आर्टिकल आपको आएगा इसके रिगार्डिंग। इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म करना एक फंडामेंटल राइट इन्होंने बना दिया अंडर आर्टिकल 19, फ्रीडम टू फ्रीडम ऑफ, ठीक है, सो राइट टू फ्रीडम इंक्लूडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भी, नए प्रिंसिपल को ऐड किया 43B, ये नया प्रिंसिपल ऐड किया गया डीपीएसपी में, और इसमें कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को सोसाइटीज को इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। इट एडेड अ न्यू पार्ट, नया पार्ट ऐड किया 9B को ऐड किया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज एंटाइटल्ड एज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। सो आर्टिकल 243H से लेकर 243ZD, ओके। सो ये अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देखा उसके बाद, सो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। सो अगला चैप्टर हम स्टार्ट कर देते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से, कौन सा रहेगा श्रुति? यूनियन एंड स्टेट, बहुत ज्यादा नॉइज है क्या? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एग्जैक्टली, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी रहेगा अगला चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर में कोई डाउट होगा तो बेशक पूछिए। सो आतिफ, देन प्रियंका, श्रुति, कृतिका, हेमंत, डायना, मयूर, नो डाउट सर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। प्रियंका, रितिका? नो सर, नो सर। नेक्स्ट पीपीटी ओपन करता हूँ। द नेक्स्ट चैप्टर इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। नाउ यहाँ से अब हमारे आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे 1 से लेके, जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हमारे लेक्चर में आएंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 1-4 इज रिलेटेड टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और एक स्क्रीन का स्क्रीन शॉट निकाल लो, जो भी मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ सो उसका स्क्रीन शॉट निकाल लीजिए, ठीक है। डिविजन के लिए आपको काम आएगा। सो दिस इज ऑल एम अबाउट इट। आर्टिकल 1-4 अंडर पार्ट 1 of the constitution deal with union and its territory, kendra aur is aur uski territory, iske bare mein hum discuss karenge। sangha hum usko bolte hain, not kendra,
सेंटर को हम केंद्र बोलते हैं, हिंदी में उसको संघ बोला जाता है। यूनियन का मतलब है संघ और उसकी टेरिटरी, टेरिटरी में एरिया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन पड़ता है यहाँ से, एक क्वेश्चन तो कहीं गया नहीं। वन टू वन सब आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वन में क्या है, टू में क्या है, थ्री में क्या है, फोर में क्या है, ये प्रोविजन से आपको पूछी जाती है एग्जाम में। और ये पार्ट वन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कितने पार्ट है टोटल, हाउ मेनी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड, 22 ओरिजिनल, प्रेजेंटली कितने, प्रेजेंटली 25, ठीक है। बहुत बड़ा पेज है, लेट मी हाइड माई सेल्फ, स्क्रीन के पीछे मेरा जो स्क्रीन दिख रहा है उसके पीछे हो जा रहा है कंटेंट, तो मैं हाइड कर लेता हूँ यहाँ से। यूनियन ऑफ स्टेट्स, सो आर्टिकल वन में क्या बोला गया, आर्टिकल वन में ये बोला गया, आर्टिकल वन इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो हमारा जो संविधान है, संविधान में इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया, इंडिया भी डिस्क्राइब किया गया, भारत भी बोला गया, दोनों भी चीज बोली, दोनों नाम दिए गए, इंडिया भी रहेगा भारत भी रहेगा। भारत कैसा थोड़ा रूरल टाइप रहेगा और इंडिया मीन्स जैसे थोड़ा सा इंग्लिश टाइप रहेगा, मीन्स दोनों भी नाम देंगे, इंडिया भी रहेगा भारत भी रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया रखना है। तो ये नाम के लेके बहुत ज्यादा पार्लियामेंट में उस टाइम पे जब संविधान बनाया गया था उस टाइम पे बहुत ज्यादा यानी कि लाइक सबका एक डिस्कशन मीटिंग हुई थी उसको लेके, जो भी हमारे संविधान मेकर्स थे उनका कुछ का बोलना था कि इंडिया रखो, कुछ बोलते थे भारत रखो, कुछ बोलते थे दोनों रखो, इंडिया दैट इज भारत, तो दोनों को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। सो यूनियन ऑफ स्टेट्स ऐसा वर्ड हमारे संविधान में ऐड किया गया, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कर दिया है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या होता है, राज्यों का संघ, नॉट संघ राज्य, इसका मतलब संघ राज्य है, इसका मतलब राज्यों का संघ है। इंडिया में हमारे संविधान में राज्यों का संघ बोला गया, ऐसा क्यों बोला गया, बिकॉज हमारे जो स्टेट्स है वो स्टेट्स एग्रीमेंट से एक थोड़ी ना हुई, इसका मतलब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इंडिया में जो स्टेट्स ज्वाइन किए गए हैं, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ज्वाइन किए थे राज्यों को, एक किया था जो हमारा डिवाइडेड इंडिया था उसको एक कर दिया था, तो उसमें वो यूनियन के द्वारा उसको कनेक्ट किया गया था, और हमारे जो राज्य है उनको एक दूसरे से सेपरेट होने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या, मान लो ये इंडिया है हमारा, ठीक है, इंडिया का मान में ये समझ लो इंडिया है, ये पूरे इंडिया में राज्य है, दीज आर ऑल 28 स्टेट्स प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, ये पूरे राज्य है और यूनियन टेरिटरीज भी। तो यहाँ पे ये इंडिया है, यहाँ पे ये इंडिया का पूरा बाउंड्री है, बराबर। तो ये जो राज्य है ना, ये इंडिया के बाहर नहीं जा सकता, ये पूरा दरवाजा बंद है इसके लिए, किसी राज्यों को अधिकार नहीं है, दरवाजा पूरा परमानेंटली बंद है। हाँ, राज्यों में से अगर किसी दूसरे राज्यों को बनाना था हम बना सकते हैं। मानो ये बड़ा स्टेट है, सपोज ये पहले आपने आपको आपने सुना होगा कि आंध्र बहुत बड़ा राज्य था, उससे तेलंगाना को डिवाइड किया, तो राज्यों में से राज्य बना सकते हैं, लेकिन एक अलग राज्य इंडिया से बाहर नहीं जा सकता, और अपने आप को अलग देश नहीं बना सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर एक अलग इंडिपेंडेंस मांग रहा था लेकिन नहीं दिया गया, फाइनली गवर्नमेंट ने 370 को हटा दिया,
और जम्मू कश्मीर को पूरे इंडिया में विलीन कर लिया। ठीक है, अभी उनका जो स्पेशल पावर था वो अभी उनको नहीं है, स्पेशल स्टेटस था 370 के अंडर कश्मीर को, उनको अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग सिटीजनशिप था, तो ये सारी चीज़ अब चली गई। क्यों? बिकॉज दे वर डिमांडिंग सेपरेट कंट्री एज ए कश्मीर। ठीक है, तो ये किस में आता है? यूनियन में आता है। याद रखना, फेडरेशन में कोई भी स्टेट अलग हो सकता है, वो एग्रीमेंट से एक होते हैं, उनमें एक एग्रीमेंट होता है, डील होता है। ठीक है, अमेरिकन स्टेट्स, अमेरिका इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेडरेशन। सो ये जो प्रोविजन है डील विद टू थिंग्स, दो चीज़ों से डील है, ये होता है नेम ऑफ द कंट्री, दूसरा होता है टाइप ऑफ पॉलिटी, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। देर वॉज नो अनएनिमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद रिगार्ड टू द नेम ऑफ द कंट्री। कंट्री के नाम को लेके मैंने ऑलरेडी बताया था कि बहुत सारा चीज़ जो था एक अनएनिमिटी नहीं थी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर में ऐसे बहुत सारा कॉन्ट्रावर्सी नहीं थी, उनका लाइक कहना था भारत भी नाम दो, इंडिया भी नाम दो, दोनों भी नाम दे दो। ठीक है, तो कुछ मेंबर्स ने क्या सजेस्ट किया था? भारत नाम, ट्रेडिशनल नाम है हमारा, तो इसलिए हम भारत रखेंगे, हमारे ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करेगा और जो थोड़ा रूरल भी लगेगा बिकॉज हमारा पॉपुलेशन इतना रूरल है। और दूसरों ने बताया कि इंडिया रखो, जो थोड़ा मॉडर्न नेम है तो इंडिया रख देते। तो लाइक दोनों भी नाम एडॉप्ट किए गए फाइनली। ठीक है, मिक्स ऑफ बोथ। सो कंट्रीज डिस्क्राइब एज यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? फेडरल है, बट स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया? यूनियन वर्ड को यूज किया गया, फेडरल को यूज नहीं किया गया। दोनों का मीनिंग मैंने समझा दिया है आप। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि उन्होंने ये फ्रेज जो था, उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स को फ्रेज को ऐड किया था, उन्होंने ये फ्रेज ज्यादा प्रीफर की थी इंस्टेड ऑफ फेडरेशन से। उन्होंने बोला फेडरेशन मत दो, यूनियन ऑफ स्टेट्स हम रखेंगे, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ये दो रीजन के लिए उन्होंने ऐड किया था। उसका पहला रीजन क्या था? इंडियन फेडरेशन नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट नहीं रहेगा राज्यों में, कोई भी राज्य किसी भी राज्य से अलग होके फिर अपना अपना अलग देश घोषित कर देगा, ये कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं रहेगा। दूसरा अमेरिकन फेडरेशन जैसा, बराबर। दूसरा है स्टेट्स हैव नो राइट टू सीसीड फ्रॉम द फेडरेशन, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है एक दूसरे से। सो ये दो रीजन की वजह से उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स को ऐड किया, प्रीफर किया इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ये यूनियन होता है बिकॉज उन्होंने ये बोला कि फेडरेशन एक यूनियन है क्योंकि इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, ये इंपॉर्टेंट है, इनडिस्ट्रक्टिबल है इसलिए वो यूनियन है। हमारा फेडरेशन कैसा है? यूनियन है। क्यों? वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता। सो कंट्री इज एन इंटीग्रल होल एंड डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टेट्स। हमारा जो देश है वो क्या है? इंटीग्रल है, एक है, और वो कभी डिवाइडेड इंटू डिफरेंस, वो अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया गया है, नॉट अलग अलग देशों में, बराबर। ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जस्ट प्रशासन के कारण हमारे राज्यों को हमने डिवाइड किया है, अलग अलग राज्य बनाए हैं। ठीक है, हमारा कंट्री राज्यों में डिवाइड है, नॉट देशों में डिवाइड नहीं है। जैसे आपने देखा होगा यूरोपियन यूनियन, बराबर, ईयू उनको बोला जाता है, तो वो डिवाइड है उस अकॉर्डिंग। जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर, यूएई, ये सारे क्या है? ये फेडरेशन है। ठीक है, इंडिया ऐसा है क्या? इंडिया में ऐसा लाइक जैसे कि इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट्स आईआईएस, ऐसा कुछ है क्या इंडिया में? नहीं, ऐसा बनेगा भी नहीं। ठीक है, इंडिया एक एकमात्र नाम है इंडिया। सो कंट्री इज एन, अगर हमारे महाराष्ट्र को मानो, या फिर महाराष्ट्र को ले लो, या फिर गुजरात को ले लो, या किसी राज्यों को ले लो, दूसरे राज्यों को, अगर उनको अमेरिका से डायरेक्ट ट्रेड करना है, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, वो राइट थोड़ी ना है भाई। किसने दिया अथॉरिटी? पहले हमसे पूछो, सेंटर से, सेंटर से पूछना पड़ेगा, फिर वो ट्रेड कर सकता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? यूनियन ऑफ स्टेट्स समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आगे जाते हैं, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल वन, अब देखो आर्टिकल वन में तो मैंने आपको यूनियन ऑफ स्टेट्स ऐसा नाम ऐड किया गया इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट, और भी चीजें आर्टिकल वन में। ये चीजें कौन सी है, डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए आर्टिकल वन में टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। देखो जैसे बोला ना यूनियन, बोला है चैप्टर का नाम क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, ठीक है। ये टेरिटरी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। टेरिटरी का मतलब क्या होता है, टेरिटरी इज ऑफ द स्टेट्स यूनियन। देखो टेरिटरी में क्या क्या आता है, टेरिटरी में आता है पूरे राज्य, 28 राज्य आ गए। यूनियन टेरिटरीज कितने इंडिया, कितने इंडिया में अभी फिलहाल, नो एट है, आठ, दमन दीव एक हो गया ना, दादरा नगर हवेली वो एक कर दिया हमने, तो अभी आठ हो गया, पहले नौ था, ठीक है। तो ये अभी ये आठ है, ये 28 है, तो ये भी टेरिटरी में आता है, टेरिटरी नाम में आता है। टेरिटरी का मतलब क्या होता है, पूरा इंडिया, पूरा इंडिया का बाउंड्री, जहाँ जहाँ जो जो इंडिया का पार्ट है वो सब टेरिटरी में आता है। तो 28 स्टेट्स हो गए, आठ यूनियन टेरिटरीज भी हो गई। टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, जो टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर की है या इन फ्यूचर करेगा, तो वो सब क्या होगा, वो टेरिटरी में आ जाएगा। जो भी पार्ट इंडिया ने एक्वायर किया हिस्ट्री में लास्ट टाइम, या फिर इन फ्यूचर एक्वायर करेगा, वो सब इंडियन टेरिटरी को बोल, उसको क्या बोला जाएगा, इंडियन टेरिटरी बोला जाएगा। जैसे सिक्किम, सिक्किम का एग्जाम्पल ले लो, सिक्किम को इंडिया ज्वाइन नहीं करना था, उनको अलग रहना था, उनको भूटान भी ज्वाइन नहीं करना था, उनको चीन भी ज्वाइन नहीं करना था, दे वांटेड टू लिव सेपरेट, सेपरेट उनको रहना था, बट उन्होंने क्या किया, इंडिया की सॉवरनिटी मान ली थी उन्होंने, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग रहेगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स अलग रहेंगे, हमारा सिटीजनशिप अलग रहेगा, आप हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना कीजिए, सिर्फ हमें क्या करिए, आप प्रोटेक्शन वगैरह दीजिए, प्रोटेक्शन आप दीजिए, इंडिया को उन्होंने बोला। कश्मीर जैसा ही हुआ उनका एक बात, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो इंडिया को ज्वाइन हो गया था, ठीक है। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन हट गया, उनका ड्यूअल सिटीजनशिप हट गया, तो उन्होंने फुल्ली इंडिया को ज्वाइन कर लिया ना। कश्मीर ने कहाँ किया था, कश्मीर ने किया था, कश्मीर ने कर रहा था। सो नेम्स ऑफ स्टेट्स, राज्यों का नाम, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों का नाम, उनका टेरिटोरियल जो भी एरिया है एक्सटेंड, वो सारी चीजें फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें फर्स्ट शेड्यूल। अब मैं पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। पहले शेड्यूल में क्या है, राज्यों के नाम्स, यूनियन टेरिटरीज के नाम्स, यूनियन जो उनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंड है वो सब कुछ कहाँ पे मेंशन है, फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। एट प्रेजेंट इंडिया में कितने राज्य हैं, 28, कितने टेरिटरीज हैं, 9, लेकिन ये अपडेट नहीं है, याद रख, ये 8 करो यहाँ पे। ये तब हुआ था 2019 में जब 9 यूनियन टेरिटरीज बन गई, लेकिन 20 में फिर से 8 बन गई। द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग द स्टेट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स इन द सेम मैनर। कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी प्रोविजन होती है सारे स्टेट्स को सेम होती है, सारे सेम मैनर में होती है, सेम मैनर में अप्लाई होती है, ऐसे नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम, ऐसा नहीं होता है। सो इसीलिए स्पेशल प्रोविजंस अंडर पार्ट 21 या 21 पार्ट है, याद रखना, पार्ट 21 जो है उसमें कौन से राज्यों की प्रोविजंस है, स्पेशल प्रोविजंस है। देखो जनरल प्रोविजंस क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की सारे राज्यों को सेम होती है, लेकिन कुछ राज्यों को स्पेशल प्रोविजन दी गई है। किस कारण, ऐसे नहीं कि बस सेंटर को अच्छा लग रहा है कि चलो यार महाराष्ट्र गुजरात ये थोड़ा इंडस्ट्रियली अच्छा स्टेट से, तो चलो इनको प्रोविजन दे देते हैं स्पेशल, ऐसा नहीं। स्पेशल प्रोविजन किस लिए दिया जाता है, बिकॉज इन राज्यों में क्या है, मैक्सिमम जो है ट्राइबल एरियाज, इसीलिए इनको कुछ स्पेशल प्रोविजन दी जाती है। जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नंदुरबार है, नंदुरबार में ट्राइबल एरिया बहुत ज्यादा, उसके बाद मुंबई में क्या है, वो विरार के आगे क्या आता है, पालघर, ठीक है। ट्राइबल एरियाज जैसे कि नंदुरबार है, पालघर है, उसके बाद गढ़चिरौली है, बहुत सारा ट्राइबल एरिया महाराष्ट्र में, ठीक है। तो गुजरात में भी नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र, तेलंगाना, सिक्किम, ये नागालैंड में नागा नाम की कैटेगरी है, वहाँ पे बहुत सारी यू नो बहुत सारी वहाँ पे ट्राइबल जाति है नागालैंड में,
जो मॉडर्न वर्ल्ड से कटी हुई है, कितना मॉडर्न वर्ल्ड में वो मिक्स नहीं होती। असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, इन राज्यों को स्पेशल प्रोविजन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और ये जो जनरल प्रोविजन है बाकी राज्यों की, उन पे वो ओवरराइड कर दिए, उन पे तो उनको थोड़ा स्पेशल राइट्स है, इनको स्पेशल प्रोविजन के अंडर एज अ क्लास, ट्राइबल क्लास। उसके साथ साथ जो फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल है उसमें सेपरेट प्रोविजन है विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज विद इन द स्टेट्स। ये भी याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांच और सिक्स नंबर का शेड्यूल है ना, वो किससे संबंधित है? शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरिया है उसका प्रशासन, उसका जो कुछ सर्विसेज होगी उनके राज्यों के द्वारा, केंद्र के द्वारा, वो सारी उसमें आती है। उसके साथ साथ टेरिटोरी ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, इंस्टेड ऑफ देन यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया से बड़ा टर्म कौन सा है? टेरिटोरी ऑफ इंडिया है, बिकॉज इसमें सारी चीजें आती है। यूनियन ऑफ इंडिया में क्या है, ओनली 28 स्टेट्स आते हैं और यूनियन टेरिटरीज आती है, याद रखना है आप। तो ये जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसमें क्या आता है, इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स, वाइल द फॉर्मर इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट्स, राज्य ही, तो यूनियन में आता है, टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ये इसमें नहीं जाता यूनियन ऑफ, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया में ओनली 28 स्टेट्स कंसीडर कर रहे हैं, यूनियन में सारी चीजें आ जाएगी, 28 टेरिटरीज, और जो भी गवर्नमेंट कोई पार्ट एक्वायर करेगा या फिर किया होगा इन फ्यूचर, सॉरी इन पास्ट, तो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। देन द सिस्टम के मेंबर्स एंड शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोनों में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राज्य स्टेट में पावर सेंटर, ठीक है, एंड द एक्वायर्ड टेरिटरीज